एक आंकड़ा जारी किया जो देश में बेरोजगारी का प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले डबल हो गया और मनमोहन सिंह जी की सरकार के मुकाबले 6 गुना हो गया। तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, सब तरीके से हाहाकार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को फिर से पुनर्समीक्षा करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में माइक्रो प्लानिंग क्या रही है? इस मामले में मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को फिर से इस ओर देखना चाहिए कि सिर्फ भाषण में, रैलियों से और अन्य अन्य तरीके से चुनाव नहीं जीते जाते, अब दौर बदल चुका है। क्या डेवलपमेंट की बातें करनी चाहिए? डेवलपमेंट की इसके लिए क्या क्या माइक्रो प्लानिंग? क्या माइक्रो प्लानिंग में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो चुनाव की मशीनरी कैसी हो एक राजनीतिक दल की, वो कांग्रेस को समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। दूसरा, देश सबसे बड़ा होता उसके बाद दल होता उसके बाद नेता होता। भारतीय जनता पार्टी में नेता देश से बड़ा दिखने लगा है, उससे बड़ा दल दिखने लगा और देश तीसरे नंबर पे करता है। आप अलग अलग तरीके से अगर विचार करोगे तो देखो, फिर भी कांग्रेस लीड नहीं ले पा रही, ये हम में कमी है, हम सुधार। कहने का मतलब कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन